है आपका BTS न्यूज में। दुनिया भर में 1,66,000 से ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले अमेरिका में 40,000 से ज्यादा मौत की पुष्टि की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में 80% मामले या तो लक्षण नहीं थे या फिर बेहद मामूली लक्षण नजर आए। भारत में कोरोना के लक्षण की कुछ तरह कमी आई है और इसको रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इसी मामले में आपको बता दें कि हैदराबाद मुर्शिदाबाद के गोलकपुर की गली सड़कों पर लोगों की आवाजाही देखने को मिली, जो कि बड़ी गौर फिक्र की बात है। इसी को मद्देनजर रखते हुए खुद DCP गंगा रेड्डी गोलकपुर में विजिट किए और साथ ही साथ स्पेशल टीम ऑफ पुलिस और सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन मुरली कृष्णा भी साथ रहे। लोगों को न मानने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ लोगों को इससे जागरूक की भी बात की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को सुझाव पेश किए जा रहे हैं कि मास्क लगाकर बाहर आए, बिना किसी वजह बाहर ना आए, बाइक पे दो लोगों का सवार ना हुआ जाए। गोलकपुर मामले में आपको बता दें DCP गंगा रेड्डी खुद लोगों की सख्त तौर पे सलाह पेश की, ऐसा ना करने पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस लॉकडाउन का मकसद आपको घरों में कैद करना नहीं, बल्कि आप हम सब की जान बचाने के लिए ऐसे फैसला लिया गया है। जैसा कि हमने चाइना, इटली, अमेरिका जैसे देशों की तबाही देखा है, जो काफी डेवलप कंट्री है, फिर भी कोरोना वायरस से ना बच सके और इंसानों के साथ साथ बड़ी तबाही हुई, तो क्या हमें ये सब देख कर भी इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? इसकी गहराई और फैलने की ताकत को समझना नहीं चाहिए? अगर वक्त रहते नहीं समझे तो फिर सोचने समझने के लिए शायद खुद ना बचेंगे। नबी के ज़माने में जब कोई वबा आई तो किसी को भी वहां ना आने की इजाज़त होती और ना ही कहीं किसी को बाहर जाने की इजाज़त होती, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार घर में नमाज पढ़ने की हिदायत दी, मसलन बारिश या सख्त सर्दी हो। तो क्या आपको इससे भी इबरत नहीं मिल रही? वक्त के साथ बहुत कुछ बदलना पड़ता है। आप सब से यही निवेदन है कि घरों में सारा काम करें, वक्त गुजारें जब तक कि कोरोना वायरस की वबा हमारे देश से ख़त्म ना हो जाए, और अपने सभी लोगों को भी इससे बचने की हिदायत पेश करें। एक दूसरे के बचाव से ही सबका बचाव होगा, पूरे देश का बचाव होगा। हुकूमत की बात पर अमल करें, इसमें ही एक अच्छे नागरिक का रूप है। साथ ही साथ जो प्रशासन रोड पे तैनात है वो सिर्फ हमारे लिए है, देश के हित के लिए है। आप प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें, ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, बिना किसी वजह के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। ऐसा करने से आपका ही भला होगा। अगर एक को भी अगर होगा तो सोचो उससे एक फैमिली में अगर असर आएगा तो उससे 10 लोग इन्फेक्ट होंगे, 10 से फिर 100 होंगे, 100 से भी 1,000 हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कंट्रोल खुद को करें और खुद को भी बचाएं, फैमिली को बचाएं, पूरे देश को बचाएं। शुक्रिया।